नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा की नींव कही जाने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार दिन पर दिन लोगों का भला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। चंद लोगों को छोड़कर सभी देशवासी मोदी सरकार से बेहद खुश हैं। मोदी जी कहते हैं कि वो पल पल भाजपा सरकार को सींचते हैं, देश को मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ नेताओं ने भाजपा की आन बान और शान पर दाग लगा दिया है। समझ तो आप गए ही होंगे कि आखिर यहाँ पर बात किसकी होने वाली है। सनी लियोनी और मिया खलीफा के बाद अब लोग रीना ठाकुर का बाथरूम सेक्स एंजॉय कर रहे हैं। पूरा मामला ना पता हो तो बता दें कि बीजेपी के एक नेता और एक नेत्री का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर रूप से वायरल हो रहा है। हो सकता है ये वीडियो आपके मोबाइल तक भी पहुंच गया हो। वैसे फेसबुक पर तो लोगों ने इस वीडियो से अपना प्रमोशन और कमाई दोनों शुरू कर दिया है। वीडियो की लगातार बोली लग रही है। फेसबुक पर लिखा जा रहा है कि पूरा वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करें तो आपको ये वीडियो मिल सकता है। हालांकि हम तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि किसी भी सूरत में आप अपना नंबर शेयर ना करें, क्योंकि आपके नंबर का किसी भी रूप से इस्तेमाल हो सकता है। सवाल इस वक्त ये नहीं है कि लोग भाजपा नेताओं के बाथरूम सेक्स के वीडियो में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बल्कि सवाल ये है कि वीडियो वायरल किसने किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से ये वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नेता किसी होटल के बाथरूम में है। पूरे राजनीतिक जगत में इस वीडियो को लेकर हड़कंप मच गया है। सब लोग इन नेताओं पर थू थू कर रहे हैं। वीडियो में मौजूद दोनों नेता अब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। रीना ठाकुर और उपेंद्र पंडित दोनों ही भाजपा के सदस्य हैं। रीना ठाकुर हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य हैं और उपेंद्र पंडित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी। दोनों का वायरल वीडियो पूरे 12 मिनट का है। जाहिर है सभी दल नेताओं की इस हरकत की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल दोनों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि रीना ठाकुर और उपेंद्र की पत्नी के बीच फोन कॉल पर हुई बातचीत का ऑडियो टेप भी सामने आया है, जिसमें वो रीना को अपने पति से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A के तहत बंजर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिला पुलिस प्रमुख ने कहा है कि वीडियो को जिसने साझा किया है या जो इसे साझा करेंगे या इसे अपने पास शामिल होने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच चुका है तो उसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास भी कार्रवाई के नोटिस आ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो ने पूरे राजनीतिक जगत में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन दोनों नेता इस पर कुछ भी कहने के लिए राजी नहीं है। इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।